इज इट विजिबल टू एवरीवन? हेलो, यस 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 मैम, या ओके। तो लेट्स यस स्टार्ट विद मोंगो डीबी। सो हमारा आज का एजेंडा क्या है कि हम मोंगो डीबी के बारे में मतलब एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा सीखेंगे कि मोंगो डीबी होता क्या है, हम मोंगो डीबी क्यों यूज करते हैं, स्टिल विच कंपनीज आर रिसेंटली यूजिंग मोंगो डीबी एज देयर बैकएंड डेटाबेस, इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, और व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम सीक्वल डेटाबेस, एंड व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल इन इटसेल्फ, एंड इसका इंस्टॉलेशन डेमो, एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई विल प्रोवाइड यू एन असाइनमेंट, देन यू कैन डू सम प्रैक्टिस ऑन योर बेसिस एंड लर्न मोंगो डीबी बाय प्रैक्टिसिंग देम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मोंगो डीबी? मोंगो डीबी बेसिकली है क्या? सो आई थिंक यू ऑल आर हायर्ड फॉर फुल स्टैक डेवलपर्स, राइट? यस या ओके। तो आई थिंक फुल स्टैक डेवलपर्स में दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा मेन होते हैं, दैट इज दी आई थिंक फ्रंट एंड बैक एंड। फ्रंट एंड जो आप मतलब डिजाइन करते हो, आपका जो पेज होगा या वेब पेज, मतलब जो आपका फ्रंट एंड दिखेगा कैसा, वो सब डिजाइन करते हो। बैक एंड आपका डेटाबेस टू विच यू कनेक्ट योर फ्रंट एंड, एंड जो आपका जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल में स्टोर होता है। तो देर आर काइंड ऑफ डिफरेंट डेटाबेसेज लाइक सीक्वल, माई सीक्वल, ओरेकल, मोंगो डीबी, बट इफ वी सी देर वर मोस्टली टू कैटेगरीज डिफाइंड, सीक्वल, सीक्वल, नो सीक्वल, और यू कैन से दैट कि रिलेशनल डेटाबेस। हैव यू गाइज हैव एन आइडिया अबाउट सीक्वल डेटाबेस? यस या तो यस सीक्वल डेटाबेस में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सीक्वल डेटाबेस? कैन यू एक्सप्लोर रोज इट? कॉलम्स या तो सीक्वल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, यानी टेबल्स, कॉलम्स, रोज, या राइट, दिस इज ना, यस या मोस्टली राइट जो हमारा डेटा राइट होता मैम है वो कैसा होता है, रिलेशनल फॉर्म यानी टेबुलर फॉर्म में हमारा डेटा होता है, जिसमें कॉलम्स होते हैं, रोज होते हैं, डिफरेंट डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होती हैं। सो हेयर क्या हमें मतलब हमें क्या ऐसी नीड पड़ी कि हमें मतलब ये हम मोंगोडीबी पढ़ रहे हैं? तो देर इज अनदर काइंड ऑफ डेटाबेस दैट इज नोन एज नो सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल डेटाबेस मतलब कि जहाँ पे आपको रिलेशनल डेटाबेस टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं चाहिए। मैनी सिनेरियोज ऐसे होते हैं बहुत से जिसमें हमें क्या होता है, रिलेशनल यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं चाहिए होता है। टेबुलर फॉर्म में बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि उसका स्ट्रक्चर प्रीफिक्स्ड होता है, डिफाइंड होता है, स्कीमा प्री डिफाइंड होता है। सो ऑल मतलब कि हमें इन सब से फ्री होने के लिए हमने क्या करा, नो सीक्वल डेटाबेस जिसमें कोई कॉन्स्टेंट नहीं होता, आप अपनी मर्जी से कोई भी कैसा भी डेटा डिफाइन कर सकते हो। तो दैट इज काइंड ऑफ नो सीक्वल, यानी कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस जिसमें कोई भी आपको रिलेशनल रिलेशनल यानी कि टेबुलर फॉर्म या स्कीमा प्री डिफाइंड नहीं करना पड़ता है। यू कैन जस्ट क्रिएट योर डेटाबेस एंड यूज क्रिएट टेबल्स लाइक टेबल्स, बट इन मोंगो डीबी देर इज नो टेबल कॉल्ड एज कलेक्शन। सो यू कैन क्रिएट दीज कलेक्शन एज स्कीमा लेस, यू डू नॉट हैव टू क्रिएट अ स्कीमा। सो हेयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द मोंगो डीबी, दिस इज अ वॉट डॉक्यूमेंट ओरियंटेड नो सीक्वल डेटाबेस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द नो सीक्वल डेटाबेस। इज एवरीबडी क्लियर की नो सीक्वल डेटाबेस होता क्या है? हैव यू गॉट सम आइडिया? ओके, या या दिस इज नो सीक्वल, जहाँ पे आपको टेबुलर फॉर्म में या रो कॉलम्स में आपका कोई भी डेटा नहीं होता है। नो सीक्वल यानी कि आपका डेटा क्या होगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड होगा, स्कीमा लेस, जहाँ पे आपको कोई भी स्कीमा डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। नो डीडीएल लैंग्वेज, नो डीडीएल का मतलब क्या है, जो आप रिलेशनल डेटाबेस होता है उसमें आप क्या करते हो, डीडीएल लैंग्वेजेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप स्कीमा डिफाइन करते हो, स्कीमा क्रिएट करते हो, बट यहाँ पे आपको वही डीडीएल का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। नो क्रिएटर मतलब जो हमारी मॉडिफाई अलर्ट ये सब कमांड्स कोई भी नहीं होती हैं। डॉक्यूमेंट आईडी बेसिकली होता क्या है कि जब ये अब इसमें टेबल्स का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, तो ये पर्टिकुलर हर एक डॉक्यूमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि वो एक यूनिक है, उसके जैसा मतलब डुप्लीकेट तो नहीं क्रिएट हो गया है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलरली हर एक डॉक्यूमेंट के लिए एक आईडी जनरेट कर देता है बाय इटसेल्फ, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी की का कंसेप्ट होता है डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में,
कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ दैट, तो वो वहां पे क्या हो जाता है, इस आईडी का कंसेप्ट यूज हो जाता है, जहां पे ये जो अंडरस्कोर आईडी लिखा हुआ है, ये आईडी हर एक डॉक्यूमेंट को अलग से डिफाइंड होती है, अलग से असाइन होती है, ये किसी की भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो इस आईडी से क्या होगा, आप यूनिकली डिफाइन कर सकते हो कि हर एक डॉक्यूमेंट अपने आप में इटसेल्फ यूनिक होगा। दिस इज प्रोवाइडेड by itself database, but rather than else you can create on your IDs if you want them. So reserved by system and application, जो इसमें जो स्कीमा होता है, as you know कि इसमें हमें कोई स्कीमा डिफाइन नहीं करना पड़ता, तो जो applications होती हैं वो itself track करती हैं इसका स्कीमा जो भी आपने करा है key value pair में। And the next is uses BASN format. BASN is nothing but the binary JSON object notation, जो हमारा JSON format होता है। Have you heard about JSON? Have you anybody have an idea about JSON format? Yes, okay, तो JSON में आप मेरे को बता सकते हो कि JSON data कैसा होता है? सबसे पहले उसमें key और value के according store कराते हैं value data। Yeah, yeah, sure. और की और वैल्यू फॉर्मेट हो जाएगी। पहले आपका मतलब स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ आपको, सिंटैक्स किस तरीके का होता है। सिंटैक्स होता है पहले स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर आपकी एक स्ट्रिंग होती है, फिर कॉमा करके एक दूसरी स्ट्रिंग होती है जिसको फर्स्ट वाली की होती है और सेकेंड वाली वैल्यू होती है। यही फॉर्म होती है उसकी। हाँ, तो इसमें जो हम बेसिकली MongoDB हमें प्रोवाइड करता है वो बेसन जेसन फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, यानी कि की वैल्यू पेयर में हमारा डेटा होता है। कि जैसे हम डिक्शनरी की बात करें, डिक्शनरी में क्या होता है, पहले आगे वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उनका मीनिंग लिखा होता है। जब आप सर्च करते हो तो आप सर्च कैसे करते हो, की वाइज सर्च करते हो, यानी जो आपको वर्ड ढूंढना होता है और उसका मीनिंग पता करना होता है वर्ड वाइज सर्च करते हो। तो सिमिलर टू दैट इसमें क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है, बेसन जेसन फॉर्मेट में। तो जब आपको कोई भी डेटा सर्च करना होता है तो आप किसके कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च करोगे, की के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्च करोगे। आप की के साथ वो वैल्यू डाल दोगे और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आपको मतलब एज ए शो हो जाएगा। सपोर्टेड API drivers, इसका मतलब ये है कि मतलब जो मोस्टली हमारा डेटा होता है, एज यू कैन जगदीश और मतलब सूरज आपको अच्छे से बता सकते हैं कि जो मतलब मोस्टली हम इसमें क्या करते हैं, फुल स्टैक में आई थिंक APIs का बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। जो हमारा डेटा होता है वो APIs के फॉर्म में हम रिटर्न करते हैं, एक्सेस करते हैं इनसे। तो जो ये MongoDB है दैट कैन सपोर्ट मल्टीपल ड्राइवर्स, JavaScript हो, Python हो, Ruby, Perl, इन एवरी लैंग्वेज आई थिंक इट विल सपोर्ट। सो नेक्स्ट इज व्हाई वी यूज MongoDB। MongoDB हम क्यों यूज करते हैं, तो द फर्स्ट पॉइंट इज दिस सिंपल क्वेरीज। एज अगर हम डेटा रिलेशनल डेटाबेस की बात करें तो आपको वहां पे पूरा सिंटैक्स मतलब काइंड ऑफ पूरी क्वेरी लिखनी पड़ती है कि सेलेक्ट दिस या क्रिएट दिस, और फिर उसके बाद आपको पैरामीटर्स पास करते हैं करने पड़ते हैं। और मतलब मोस्टली बहुत आई थिंक कि उसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि अगर कहीं पे कॉमा है, कहीं पे कोट्स है, कहीं पे कॉलन है, मतलब ऐसे बहुत सब कुछ होते हैं। पर MongoDB में ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना होता है, सिर्फ सिंपल क्वेरीज लगानी है, जो आपको चाहिए आपको वो की देनी है और वैल्यू देना है, रेदर देन आपके पास उस डॉक्यूमेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फंक्शनली मोस्ट वेब एप्लीकेशन, जो हमारी मोस्टली वेब एप्लीकेशन है वो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, हमारी इसकी MongoDB को यूज करते हैं। अगर हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर इटसेल्फ रिटर्न इट्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट, एंड MongoDB इज वन विच प्रोवाइड्स आवर डेटा इन जेसन फॉर्मेट। इजी एंड फास्ट इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, नो ERD डायग्राम, दैट इज नो ERD डायग्राम मीन्स एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स। तो जो आप लोग देखते हैं कि हम रिलेशनल डेटाबेस बनाते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग को ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम डिफाइन करना पड़ता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो सब डिफाइन करना पड़ता है। बट देर इज नो नीड ऑफ ER डायग्राम। और जैसे कि हमारा रिलेशनल डेटाबेस की बात करें हम, तो उसमें हैवी और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, जॉइंस वगैरह सब लगते हैं, ठीक है, ट्रांजिशंस वो होती हैं, पर इसमें ऐसा कोई भी नहीं है। एवरी डॉक्यूमेंट इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट डॉक्यूमेंट। So these are the some companies which are using MongoDB as their database: Uber, Accenture, Lyft, Delivery Hero, City, SBS, Facebook is also Berkeley. These companies all are using MongoDB. So you guys now have idea ki MongoDB important kyun hai. So this is the MongoDB hierarchical object.
कि MongoDB का सबसे, अगर हम रिलेशनल डेटा की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा डेटाबेस होता है। तो ऐसे ही MongoDB में भी हमारा क्या होता है, डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर रिलेशनशिप डेटाबेस में क्या होती है, हमारी टेबल्स होती हैं। बट यहाँ पे टेबल्स का कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे हम उन्हीं टेबल्स के कोरस्पोंडिंग आप बोल सकते हैं कि क्रिएट करी जाती है कलेक्शन। तो यानी एक डेटाबेस के अंदर मल्टीपल कलेक्शन हो सकती है, वन भी हो सकती है, जीरो या फिर मोर देन वन कलेक्शन हो सकती है। कलेक्शन आर रिप्लेसिंग द टेबल इन द रिलेशनल डेटाबेस। एंड अब कलेक्शन, या अगर हम टेबल की बात करें तो टेबल के अंदर हमारे क्या होते हैं, कॉलम और रोज होते हैं। तो जो हमारे रोज होते हैं, उस पर्टिकुलर हर एक रो, रो इज स्पेसिफाइंग अ डिफरेंट एवरी डिफरेंट एंट्री फॉर द एंटिटी। तो जो हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है, दैट विल स्पेसिफाई यू एवरी डिफरेंट एंट्री रिगार्डिंग द एंटिटीज। तो डॉक्यूमेंट इज यूज्ड एज अ रो दैट पर्टिकुलरली डिफाइन करेगा हर एक एंटिटी की पर्टिकुलर पहचान क्या होगी, किससे होगी, डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आपको, आप ये रो के हिसाब से ले सकते हैं कि जैसे डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में रो होता है, ऐसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स रो की तरह काम करता है। जीरो और मोर फील्ड्स, फील्ड्स विल बी एक्टेड एज अ कॉलम। जो आपके रिलेशनल डेटाबेस में कॉलम होते हैं RDBMS में, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे फील्ड डिफाइन करते हैं। फील्ड्स आर नथिंग बट द कीज। जो हम जेसन फॉर्मेट में की वैल्यू, वैल्यू इज एक्चुअल वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, की जिसके हिसाब से हम उसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा फील्ड है। फील्ड यानी कि की। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं RDBMS और MongoDB में डिफरेंस की। डेटाबेस डेटाबेस ही होता है। टेबल व्यू को हम एज अ कलेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। रॉ हर एक को हम डॉक्यूमेंट बताते हैं, और कॉलम दैट इज फील्ड जो मैंने अभी आपको बताया। इंडेक्स का कंसेप्ट दोनों में होता है, क्योंकि इंडेक्स हमारा किस लिए होता है, फास्ट प्रोसेसिंग के लिए या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे वो डॉक्यूमेंट हो या रो हो। द नेक्स्ट इज अबाउट दिस सम ज्वाइन। जॉइन का कंसेप्ट नहीं होता है NoSQL में, वो मतलब आगे भी बता सकती हूँ आपको एग्जांपल के साथ जब हम थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। और इसमें फॉरेन की बजाय रेफरेंसेस होता है, और पार्टीशन की जगह शार्डिंग होता है। शार्ड पार्टीशन का, शार्डिंग का इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। शार्डिंग एक्चुअली होती क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यू कंसिडर दैट कि अगर आपका मान लो कि 1 GB का डेटा है, तो आप लोग क्या करोगे, अब अगर मैं 1 GB को, मेरे पास एक ही प्रोसेसर है या एक ही सर्वर है, तो मैं मुझे वो सर्वर पे डालना है, बट मेरे पास एक ही मशीन है, तो मैं क्या करूंगी, 1 GB डेटा शुड टेक, आई थिंक टाइम ले सकता है 10 मिनट या 15 मिनट, जो भी ले सकता है, या मान लो कि 10 मिनट भी ले रहा है। बट शार्डिंग का कंसेप्ट क्या होता है, कि हम क्या करते हैं, उस डेटा को डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल मशीन्स पे, कि वो 1 GB डेटा 500 MB डेटा एक मशीन से जा रहा है सर्वर पे, राउटर पे, और जो 500 MB डेटा है वो दूसरी मशीन से जा रहा है। तो इससे जो हमारा टाइम है, 10 मिनट्स की बजाय क्या लगेगा, 5 मिनट्स लगेगा। तो शार्डिंग जो होता है, और शार्डिंग इज को हम मतलब ये बोल सकते हैं कि रेप्लिका, उस डेटा जो डेटा है उसकी रेप्लिका वहां पे स्टोर होती है। तो शार्डिंग हमारा ये कह सकते हो कि आप लोग फास्ट प्रोसेसिंग में हेल्प करता है NoSQL डेटाबेस में या MongoDB में। सो नेक्स्ट इज, एज आई टोल्ड यू कि ये क्या होता है, हमारा स्कीमा फ्री होता है। तो स्कीमा फ्री में मैंने बता ही दिया कि आपको प्री डिफाइंड इसका कोई भी स्कीमा नहीं होता है। तो ये जो ये आपको फर्स्ट दिख रहा है, ये नेम वाला, ये मतलब सॉरी, ये क्या है, मतलब इसको, ये जेसन फॉर्मेट में है। अगर आप देख रहे हो, नेम इज रिप्रेजेंटिंग हियर एज अ की, एंड विल दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज अ वैल्यू। आई इज अ की एंड ब्लू इज इट्स वैल्यू। ये आपको अलाइज दिख रहा है, अलाइज के अंदर ये बिल, LA, साइको, ये शिकागो, ये सब लिखा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड द एम्बेडेड की, यानी आपका जो की है वो वन है, बट दैट कंटेन्स दी मल्टीपल वैल्यूज। तो इसको हम एम्बेडेड डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और द बेस्ट पार्ट ऑफ MongoDB इज लाइक दैट, कि जैसे आपका टेबुलर, अगर हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो उसमें हमारा क्या होता है कि आपको स्कीमा फॉलो करना पड़ता है। उसमें अगर मान लो आपने 5 फील्ड्स डिफाइन करे हैं, या 3 ले लें कि ID, नेम और क्लास आपने डिफाइन करा है, देन यू शुड हैव टू मेंटेन दिस स्कीमा थ्रू आउट योर रोज या एंट्रीज, की हर एक जो रो होगा हमारा उस स्कीमा को फॉलो करना चाहिए। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप एक ही मतलब कलेक्शन में एक डॉक्यूमेंट जो ये फर्स्ट वाला है ऐसे क्रिएट कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन क्रिएट डॉक्यूमेंट द सेकेंड वन।
एट द सेम टाइम देर इज नो स्कीमा एंड देर विल बी, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इंसर्शन नहीं होने देगा, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और मतलब एवरी डॉक्यूमेंट नल वैल्यूज भी मतलब हम क्या कर सकते हैं, डेटा फील्ड्स में डाल सकते हैं. सो बेसिकली जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली क्या होना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम उसमें किसी भी डेटाबेस में क्रड ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक क्रिएट हो गया, रीड, अपडेट और डिलीट. तो देर आर मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ डेटाबेस और क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, और यू कैन इंसर्ट सम डेटा इनसाइड दैट कलेक्शन सो और डॉक्यूमेंट. सो दीज आर दी क्रिएट करने की ये थ्री मेथड्स हैं. देर आर मोर बट आई जस्ट मेनली आइडेंटिफाइंग ऑल दीज थ्री मेथड्स. इंसर्ट, इंसर्ट एज मतलब आपको नेम से ही समझ में आ रहा हो कि कुछ भी, अब आपने कलेक्शन क्रिएट करा है तो आप उसमें क्या करोगे, डेटा इंसर्ट करोगे. मैं आपको ये सब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी. तो यहाँ पे आपको सेकंड में थोड़ा सा हो रहा, इंसर्ट के भी थ्री मेथड्स होते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंसर्ट एंड इंसर्ट मैनी, आई विल शो यू. अपडेट को मैंने यहाँ पे क्रिएट में क्यों रखा है, आप देख रहे हो कि ब्रैकेट में मैंने लिखा है अपसर्ट. अपसर्ट का मतलब होता है इंसर्ट प्लस अपडेट. इफ द अगर एक्चुअल दो मान लो किसी आईडी के रिगार्डिंग में अपडेट करना चाह रही हूँ, मान लो मेरी मेरे पास एक स्टूडेंट है, उसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, स्टूडेंट की आईडी है मेरे पास 2, ठीक है. तो अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे अपडेट करनी है. अगर 2 वाली एंट्री मैं अपडेट कर रही हूँ और वो मेरे पास कलेक्शन में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो क्या करेगा, अपडेट करेगा. एल्स वो क्या कर देगा, अगर 2 वाली एंट्री नहीं है तो वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा. तो दैट्स लिए इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या रखा है, क्रिएट में रखा है अपसर्ट वाले मेथड को. रीड, अगर हमें रीड करना होता है तो जैसे आप आरडीबीएमएस में कैसे रीड करते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम या सेलेक्ट पर्टिकुलर दीज कॉलम्स या वैल्यूज फ्रॉम द टेबल. बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल एक कमांड है कि आपको डीबी लिखना है, कलेक्शन का नाम लिखना है और क्या लिखना है, फाइन. फाइन के अंदर अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो आपको जैसे आपका सेलेक्ट स्टार काम करता है ऐसे काम करेगा, एल्स आप उसमें किसी पर्टिकुलर फील्ड के थ्रू भी पास कर सकते हो अगर आपको कोई पर्टिकुलर वन चाहिए. अपडेट में हमें अगर हमें अपडेट करना है, और डिलीट अगर हमें डिलीट या रिमूव करना है. So there is a showing, I am showing you here a difference between SQL and MongoDB. आप लोग कैसे इंसर्ट करते हैं कि इंसर्ट इन टू टेबल नेम देन वैल्यूज देन उसकी एक्चुअल पैरामीटर्स पास करते हो कि ये वैल्यूज, और अगर आपको मतलब ये बोल सकते हैं कि अगर आपको सब क्वेरी लगानी है एक क्वेरी के अंदर, तो फिर आप उसमें इनसाइड फर्दर पैरामीटर्स पास करते हो और कमिट करते हो उस चीज को. इसमें बस देखो यहाँ पे क्रिएट या इंसर्ट इसने कैसे कराया कि सिर्फ सेव लगाया है कलेक्शन के रिगार्डिंग और सिर्फ अंदर की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को पास कर दिया. तो आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू इंसर्ट वैल्यूज इन द डेटाबेस. सो अगर सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन की करते हैं कि कोई भी चीज बाद में हम यूज करेंगे ना, सबसे पहले तो हमें उसका इंस्टॉलेशन पता होना चाहिए. तो इंस्टॉलेशन, वेट अ सेकंड, आई हैव प्रोवाइडेड ऑल दीज लिंक्स फॉर द इंस्टॉलेशन. तो अगर आपको विंडोज पे इंस्टॉलेशन करना है, ये लिंक्स, ये पीपीटीज मैं आप लोगों से दीप्ति मैम को बोल दूंगी कि वो आपसे शेयर कर दे. तो आपको ये यहाँ से इसको डाउनलोड करना है इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से. जी आपको क्या करना है, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो आपको ये exe फाइल को डाउनलोड करना है. और बट शुड रिमेम्बर कि आप लोग कम्युनिटी वर्जन ही इंस्टॉल करें, नॉट एंटरप्राइज. कम्युनिटी वर्जन इंस्टॉल करने के बाद आप ये फॉलो कर सकते हैं कि इंस्टॉलर कैसे चलाना है और सेटअप वगैरह कैसे करना है ये सब. आपको मेन बस आपकी डेटा डायरेक्टरी का पाथ याद होना चाहिए. यहाँ पे आप ये डेटा नाम का एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा आपको, और फिर वहां पे क्या होगा, जो भी आप MongoDB में कुछ भी क्वेरीज लिखोगे या डेटाबेस या आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, वो क्या होगा, आपका सारे इस डेटा फोल्डर के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. तो ये आप लिंक फॉलो कर सकते हो ऑफिशियल डॉक से. ये आपको इजीली मतलब, क्योंकि मेरा सिस्टम क्या है, लिनक्स है, तो आई कांट शो यू कि हाउ टू इंस्टॉल दी MongoDB ऑन विंडोज. सो फ्रॉम दिस लिंक यू कैन प्रेफर. और लिनक्स पे भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एज यू सी देयर इंस्टॉलेशन ऑन लिनक्स. आई हैव ऑल्सो मेंशन्ड द लिंक्स ऑन द स्लाइड्स, सो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड फ्रॉम देयर. ओके, तो
अब इंस्टॉलेशन यहाँ पे हो गया है। जब आपका इंस्टॉलेशन वगैरह हो जाएगा यहाँ से, तो आपको क्या करना है, इसमें दो आपको कमांड चलानी पड़ेंगी, मोंगो डी एंड मोंगो। मोंगो डी इज रिप्रेजेंटिंग द सर्वर की, जो आपका मोंगो डीबी के लिए सर्वर क्या काम करेगा, जहाँ आपको मतलब, और मोंगो रिप्रेजेंटिंग दी आपको कि वो प्लेटफॉर्म या फ्रेमवर्क जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेरीज आपको परफॉर्म करनी है। तो अब जैसे मेरा ये है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ मेरे सिस्टम में मोंगो डीबी कैसे चलता है। दिस इज द मोंगो, ये मेरे को क्या करेगा, मोंगो टर्मिनल पे लेके चला जाएगा, और ये यहाँ पे मेरा शेल मोंगो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटाबेसेस क्रिएट करना है, देखना है। तो पहले मैं क्या करूंगी, शो कमांड चलाऊंगी, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में चलाते हैं डीबीज। तो ये क्या करेगा, मेरे पास जितने भी डीबीज हैं, डेटाबेसेस हैं, सब मुझे शो कर देगा, और उनका साइज की 2 2 GB है, पर मतलब जीबीज में है, बट अभी नॉट यूज्ड एनीथिंग। तो अब अगर मुझे किसी डेटाबेस को जाना है या क्रिएट करना है, अगर आपको क्रिएट करना है देन शुड यू हैव टू यूज यूज कमांड, अगर आपको जाना है तब भी आपको यूज ही कमांड करनी पड़ेगी यूज। अगर अब मान लो मैंने यहाँ पे एक कर दिया टेस्ट डीबी, ये मैंने एक नहीं है मेरे पास ऊपर, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो उसने दिखा दिया कि स्विच टू डीबी टेस्ट डीबी, बट अगर आप शो डीबीज करोगे अभी, तो ये नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि ये तब तक नहीं दिखाएगा जब तक आप इस टेस्ट डीबी में कोई ना कोई कलेक्शन या फिर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट नहीं क्रिएट कर देते, तब तक ये आपको नहीं दिखाएगा। और जब आप इंसर्ट कर दोगे देन इट विल शो यू। तो अगर आपको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट मतलब अगर यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, कोई कलेक्शन क्रिएट करना है, तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डाल सकते हैं अभी कुछ भी, कि जैसे मान लो मैंने एक स्टूडेंट का कलेक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो आप कलेक्शन यहाँ पे ऐसे टेबल क्रिएट, क्योंकि स्कीमा लेस है, तो आप लोग पहले क्या करते हो रिलेशनल डेटाबेस में, कि आप लोग पहले स्कीमा डिफाइन करते हो कि क्रिएट टेबल विद मतलब जहाँ पे कॉलम की ये पैरामीटर्स होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पे इंसर्ट ऑपरेशन लगा सकते हो। इंसर्ट वन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं, और अंदर मुझे क्या वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी इन जेसन फॉर्मेट कर्ली ब्रेसेस। तो की में मैंने दिया, मान लो मैंने यहाँ पे दे दिया रोल नंबर, और उसके रिगार्डिंग मैंने वैल्यू दे दी वन। और मुझे क्या देना है यहाँ पे, दूसरा पैरामीटर दे दिया मैंने नेम, और उसकी वैल्यू दे दी मैंने ये। और भी आप दे सकते हैं यहाँ पे, कि मैंने क्लास दे दिया और यहाँ पे उसका दे दिया वन। अब आप देख रहे हो कि इंसर्ट वन में, इंसर्ट वन इज बेसिकली यूज फॉर व्हेन यू हैव टू इंसर्ट ओनली अ सिंगल रिकॉर्ड। तो जब आपने यहाँ डीबी स्टूडेंट कलेक्शन का नाम है मेरी, और इंसर्ट वन दिस इज द मेथड, और ये यहाँ पे क्या हो गया, इसने एक्नोलेजमेंट में ट्रू, और इंसर्ट आईडी दिस इज द ऑब्जेक्ट आईडी व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम इटसेल्फ। ये क्या होगी, आपकी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए यूनिक होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगी इसमें, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई जैसे मैं यहाँ पे मैंने अगर रोल नंबर को एज ए प्राइमरी की लगाऊंगा, नहीं लिया होगा, तो ऑब्जेक्ट आईडी स्पेसिफिकली हर एक एंट्री को, डॉक्यूमेंट को यूनिकली डिफाइन करेगी। तो अब अगर आप शो डेटा बेसिस करेंगे, तो आपको ऑब्वियसली शो हो जाएगा, ये देखो लास्ट में टेस्ट डीबी दिख रहा है, टेस्ट डीबी दिस डॉक्यूमेंट, ये क्या हुआ, अब टेस्ट डीबी आपको शो कर रहा है कि अब हाँ ये डेटाबेस क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। इस मोंगो डीबी में क्या नहीं शो, क्यों नहीं शो करता है, अनटिल अनलेस जब तक आप उसमें कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई कलेक्शन क्रिएट नहीं कर देते हो, तब तक वो आपको डेटाबेस शो नहीं करेगा। तो ऐसा डरना नहीं है कि मतलब यार मैंने तो क्रिएट कर दिया, पर मेरा डेटाबेस तो क्रिएट ही नहीं हो रहा, शो ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक यही है कि आपको पहले उसमें कुछ ना कुछ डेटा डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होएगा, क्रिएट होएगा वो। तो मैंने ऑलरेडी डेटा डाल रखा है एक उसमें डेटाबेस में। तो अगर मैं डेटाबेस में जाती हूँ ये डेमो, तो इसमें ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। तो अगर ये तो था कि आपको इंसर्ट करना है, यानी इंसर्ट करना है, क्रिएट करना है ऑपरेशन। इफ आई हैव टू कि मुझे रीड करना है डेटा, ओनली सिर्फ रीड, तो आपको क्या कमांड यूज करनी है, फाइंड। तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम, फाइंड
तो अभी मुझे यहाँ पे कलेक्शंस नहीं पता है मेरे डीबी में क्या क्या कलेक्शंस हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, शो कलेक्शंस। तो ये आपकी कलेक्शंस हैं दो, एक कलेक्ट थ्री कलेक्शंस हैं, हियर यू कैन सी देयर आर थ्री कलेक्शंस, कलेक्ट एम्प्लॉय एंड स्टूडेंट कलेक्शंस आर बट नथिंग बट द रिप्लेसमेंट ऑफ द टेबल्स दीज, ये आपका टेबल्स की तरह काम कर रही है। तो अब अगर मुझे स्टूडेंट करना है, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा देखना है मुझे कि स्टूडेंट के अंदर मेरा क्या डेटा है, तो मैं क्या लिखूंगी, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम क्या है मेरी, स्टूडेंट डॉट फाइंड, फाइंड जो आपकी कमांड होती है ऐसे लिखेंगे तो आपको क्या करेगा वो सारा डेटा शो कर देगा। सॉरी स्टूडेंट कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट डाला हुआ है मैंने, ऐसे ही मैं और भी चेक कर सकती हूँ। अब मुझे किसी पर्टिकुलर आईडी के रिगार्डिंग करना है, जैसे चलो इसमें तो और डेटा नहीं है, मैं और दूसरा देख लेती हूँ, आई थिंक एम्प्लॉय में डेटा होगा। यस, तो हियर यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास कस्टमर आईडी है, ये देखो ये आप लोग देख सकते हो कि हर एक का ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, डिफरेंट है, किसी का भी सेम नहीं है। तो हर एक कलेक्शन को सॉरी डॉक्यूमेंट को कैसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हम खुद प्रोवाइड नहीं करते हैं प्राइमरी की, तो देन इटसेल्फ इट क्रिएट्स ऑब्जेक्ट आईडी फॉर रिगार्डिंग एवरी डॉक्यूमेंट विच रिप्रेजेंट इज एज यूनिकली। तो यहाँ पे मैंने इसमें चार फील्ड्स डिफाइन करे हैं, कस्टम आईडी, ठीक है, दैट इज कस्टमर आईडी, और कस्टमर नेम दैट इज कस्ट नेम, और मैनेजर क्या है उसका, और उसकी सिटी क्या है, देयर आर दी फोर पैरामीटर्स। And these cust ID or cust name manager, these all are nothing but the keys. And these values 2, 3, 4 or ye Bhavna, Deepika, Deepak, and these Sambhav, Manish, yeah, Dilli, these all are the values corresponding to their IDs. Sorry, keys. There is one record. This is the 5-1. So, ab agar mere ko तो आपको मतलब एक सिनेरियो समझ आया होगा कि ये फाइंड स्टेटमेंट कैसे काम कर रही है। जैसे मेरा सेलेक्ट स्टार स्टेटमेंट काम करता है RDBMS में, तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डेटा मतलब कलेक्शन में मुझे किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का कुछ पर्टिकुलर वो चाहिए, या मान लो कि मुझे इस कस्टमर आईडी का, जिसका कस्टमर आईडी 2 है, अब यहाँ पे 2 एंट्रीज है, उनका मुझे क्या चाहिए, सिर्फ कस्टमर नेम चाहिए, तो वो मैं कैसे परफॉर्म करूंगी। तो db डॉट एम्प्लॉय डॉट फाइंड, यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, आप लोगों के दो पैरामीटर्स होते हैं फाइंड में, कि एक आपका होता है क्वेरी सेक्शन, दूसरा आपका होता है प्रोजेक्शन। क्वेरी सेक्शन होता है कि आपको उस पर वो क्वेरी लगा रहे हो कि मुझे इस एंट्री के रिगार्डिंग डेटा चाहिए, और प्रोजेक्शन सेक्शन में आप लोग डिफाइन करते हो कि आपको क्या डेटा चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं मुझे फाइंड में क्या चाहिए, एक मिनट, मुझे फाइंड में क्या डेटा चाहिए जिसका कस्ट आईडी क्या हो, मैं 2 उठा लेती हूँ, ठीक है, जिसका कस्ट आईडी क्या हो 2 हो, और मुझे प्रोजेक्ट, ये हो गया मेरा क्वेरी सेक्शन, और ऐसे ही मेरा यहाँ पे आएगा प्रोजेक्शन सेक्शन कि मुझे क्या क्या वैल्यू चाहिए। तो मुझे क्या क्या वैल्यूज चाहिए, अगर मुझे नेम चाहिए कस्ट नेम, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी कस्ट नेम, कस्ट नेम। अब मुझे पैरामीटर इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे हम पैरामीटर सेट करते हैं 1 और 0, अगर मैंने 1 सेट करा है तो वो मुझे क्या करेगा, वो वाली वैल्यू शो करेगा, अगर मैं यहाँ पे 0 सेट कर देती हूँ तो वो मुझे ये वाली वैल्यू छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज करेगा। अब मैं जैसे अब इसको एंटर करती हूँ, एक मिनट, भावना 2 को भी स्ट्रिंग में दे दे कोट्स में। हाँ मैं भी शायद इस वजह से सो रहा हूँ।
हो सकता है। तो इसने मुझे क्या करा, ये मैंने इसको स्ट्रिंग में नहीं दिया था एज ए, क्योंकि मैंने सबको स्ट्रिंग डिफाइन कर मतलब डाला हुआ है, तो इसलिए इसने मुझे क्या करा, मतलब एरर शो कर रहा था ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे क्या शो करा, सिर्फ नेम शो करा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको जीरो कर देती हूँ वैल्यू को, तो ये मुझे ये वाली वैल्यू छोड़ के, कस्टमर नेम छोड़ के, बाकी सारी वैल्यूज शो कर रहा। अब ये तो था मेरा सिंपल कि मुझे अगर रीड करना है, रीड में और भी आपके ऑपरेशंस आते हैं कि अगर आपको जैसे लेस देन, जो हम लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं कि अगर मान लो मुझे लेस देन यहाँ पे ये वैल्यूज हैं कि मुझे अगर लेस देन 3 चाहिए तो मुझे कैसे यूज करना है, या मुझे जिसकी आईडी इज इक्वल टू 4 है पर्टिकुलर वही चाहिए तो कैसे करना है। अगर आपको 4 वाला ही चाहिए तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एक सेकेंड इसमें क्वेरी में ही आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो पैरामीटर। मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें आप लोग क्या करोगे। डॉलर जिसकी वैल्यू क्या हो लेस देन LT, ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे दे दिया 3, जिसकी वैल्यू क्या हो लेस देन 3 हो। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, 1 मिनट, हाँ ये रहा, सिर्फ रोल नंबर चाहिए, रोल नंबर कंडीशन। यहाँ पे इसने मुझे क्या करा, मैंने कंडीशन लगा दी कि जिसकी भी कस्टमर आईडी क्या हो लेस देन 3 हो, तो इसने मुझे क्या दे दिया, 2 और 2 दे दिया। ऐसे में क्या लगा सकती हूँ यहाँ पे, लेस देन अगर मैं इक्वल लगा दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, ऑल 3 वैल्यूज दे दी इसने मुझे कि जिसकी वैल्यू 2 है 3 है, ऐसे लगा सकते हैं हम लोग। तो ये हम मतलब जो आप रीड कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं कि या हम उसमें ऐसे, हम तो उसमें यार वेयर कंडीशन लगा देते थे, ऐसे कर देते थे, तो हमें देखो इसमें कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपल जैसे हम प्रोग्रामिंग में लिखते हैं कि हमें सिर्फ ये डेटा चाहिए या ऐसे चाहिए, तो बस हमें सिर्फ वही कि हमें कैसे कैसे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, सिंपल क्वेरीज हैं और मतलब इजी है रदर देन सीक्वल, कि हमें उसमें पूरा डिफाइन करना पड़ता है कि सेलेक्ट दिस दिस दिस, वेयर कंडीशन दिस या ग्रुप बाय दिस, वो सब हमें हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल वे है कि हम हर एक को कर सकते हैं। तो ये था हमारा रीड ऑपरेशन। अगर हमने अपडेट करना है तो अपडेट में भी हम क्या कर सकते हैं कि अपडेट में भी मतलब बस आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, db डॉट अपडेट लिखना है, और अपडेट के अंदर आपको क्या अपडेट करना है, आपको पहले वो उसकी किसी ना किसी मतलब रिगार्डिंग आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, की आइडेंटिफाई देना पड़ेगा आपको कि क्या अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि कस्ट आईडी, जिसका कस्ट आईडी क्या है कि मान लो 3 है जिसका कस्ट आईडी, मुझे उसे अपडेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा मुझे पैरामीटर। तो डॉलर सेट ये ना, यस हाँ दिस भी मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है जिसका कस्टमर आईडी, अब मुझे 3 वाले का अपडेट करना है तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी 3। और ये सेट के अंदर क्या सेट करना है मुझे, उसका सिटी, सिटी अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्या उसका करनाल है, तो मैं सिटी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, मैं उसका सिटी कर देती हूँ गुड़गांव, ठीक है। लास्ट मॉडिफाइड ये क्या होगा कि आपको उसमें एक डेट क्रिएट कर देगा करंट डेट नाम से कि ये कब लास्ट मॉडिफाई हुआ था। तो जब मैं इसको करूंगी तो इसने बता दिया कि एक्नोलिजमेंट ट्रू, यानी कि जो हमने ऑपरेशन करा है वो परफॉर्म हो चुका है। मैच्ड रिकॉर्ड बताएगा आपके पास कि कितने रिकॉर्ड मैच्ड हुए हैं, और मॉडिफाई कितने हुए कि हमने कितने चेंज करे हैं वो भी बता देगा। तो अब अगर मुझे सिर्फ इसका देखना है, अब अगर मुझे सिर्फ पर्टिकुलर इसी का देखना है तो मैं कैसे करूंगी यहाँ पे क्या क्वेरी फाइन, और मैंने उसमें क्या दे दिया कि कस्टमर आईडी क्या हो 3 हो। तो देखो अब उसकी सिटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है, गुड़गांव हो गई है।
तो अब अगर आपको हम ऐसे मतलब ये फाइंड वगैरह हो गया क्रिएट, और एल्स हमें ऐसे ही हमारे पास क्या है, फाइंड के डिफरेंट डिफरेंट वेज है कि आप फाइंड अगर आपको पर्टिकुलर के रिगार्डिंग चाहिए तो आप ऐसे क्वेरी डाल सकते हो उसके अंदर, सबका मतलब सब कुछ चाहिए तो ये भी डाल सकते हो आप उसके अंदर। अब मेरे को अगर मान लो कि ये जो मेरे आउटपुट्स ये मतलब सब शो हो रहे हैं मेरे पास डेटा, ठीक है, तो अब मुझे इसमें क्या लगाना है, मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी देख लिए। अब अगर मुझे इसमें मतलब जैसे कि क्या कहते हैं शॉर्ट लगाना है इंक्रीमेंट सॉरी इंक्रीज्ड वे में या डिक्रीज्ड वे में, कि मुझे क्या है मेरा जो आउटपुट है वो क्या हो, इंक्रीज्ड वे में शो हो या डिक्रीज्ड वे में शो हो, तो उसमें भी क्या भी हो, उसमें हम क्या लगा सकते हैं, शॉर्टिंग भी लगा सकते हैं। और अभी तक वैसे किसी का कोई क्वेश्चन है? भावना, अपडेट और रिप्लेस में क्या फर्क है? हाँ ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली अपडेट करने के दो लॉजिक्स होते हैं कि एक तो हम अपडेट मेथड यूज कर सकते हैं कि अपडेट कमांड, जैसे इसका नेम से ही पता चल रहा है कि आपने अपडेट करा, और एक होता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड में हम क्या करते हैं, रिप्लेस मेथड में भी अब अगर मान लो कि मुझे कस्टमर 3 के अकॉर्डिंग मुझे रिप्लेस करना है, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड रिप्लेस। डिफरेंस क्या है कि अब जब मैंने अपडेट करा तो मैंने पैरामीटर्स पास करे कि ये वाली वैल्यूज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, और बाकी क्या रहे, एज इट इज रहे। तो जब आप रिजल्ट देख रहे हो तो उसने क्या करा, सिर्फ जो ये सिटी वाला है उसको चेंज कर दिया, बाकी वाला डेटा क्या रहा, एज इट इज रहा, उसमें उसने कोई चेंज नहीं करा। बट रेदर देन अगर आप अपडेट की बजाय रिप्लेस यूज करोगे तो वो क्या करेगा, आपका सिर्फ ये वाला जो सिटी वाला है सिर्फ इसको इंसर्ट कर देगा, बाकी जो आपकी रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला सारा हटा देना और जो अभी हम नया है उसको रखना वहां पे। तो रिप्लेस के मैकेनिज्म में वो क्या करेगा, जो भी आपका पुराना डेटा होगा यानी कि कस्टमर नेम, मैनेजर, सिटी, ये सब डिलीट कर देगा, वहां से डिलीट हो जाएगा, और क्या होएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आ जाएगी आपकी जो कि आपने सिटी डिफाइन करी है, ये सिर्फ ये हो जाएगा आपका। तो ये मेक श्योर कि जब आपको अगर किसी डेटा सेट में ऐसे यूज करना है कि आपको उसकी जितनी भी पुरानी वैल्यूज है सबको डिलीट करना है और सिर्फ न्यू वैल्यूज को अपडेट करना है, कि कोई एक ही पर्टिकुलर वैल्यू, कि मुझे इसका मान लो कि किसी स्टूडेंट का डेटा है, नहीं मुझे इसका पुराना कोई भी डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इसका इसके नाम पे ये डाल देना है कि अब लेफ्ट कर गया स्कूल, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका पुराना सारा डेटा हटा के वहां पे सिर्फ आप वो डाल दोगे कि मतलब इसका जो स्टेटस है वो क्या है कि लीव्ड, इसने बच्चे ने क्या करा, स्कूल छोड़ दिया। तो आप वहां पे क्या करोगे, उस मैकेनिज्म में आप रिप्लेस यूज कर सकते हो कि अब मुझे यहाँ पे इसका कोई डेटा नहीं चाहिए, तो मैं रिप्लेस, तो वो क्या करेगा, आपका सारा डेटा डिलीट करके आपका सिर्फ जो रिप्लेस्ड है, जो स्टेटस आपने डाला है कि लीव्ड, तो वो वहां पे सेट कर देगा। और आपको उस सिनेरियो में अपडेट यूज करना है जहां आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड को अपडेट करना है, चेंज करना है, बट बाकी सारा डेटा एज इट इज चाहिए, तो उस सिनेरियो में आपको अपडेट करना है। देर इज मतलब और भी मेथड है अपडेट के, मतलब आप खाली अपडेट से भी लिख कर सकते हो, अपडेट 1 हो गया या अपडेट मैनी हो गया, वो मैकेनिज्म भी आप यूज कर सकते हो अपडेट करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब मैंने सिर्फ अगर जब मुझे एक ही रिकॉर्ड यूज करना था तो सिर्फ मैंने अपडेट 1 यूज करा, मैनी यूज करना है तो मैनी में आप लोग क्या करोगे, मैंने में आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जैसे ये एक पर्टिकुलर आईडी के लिए हो गया, आपको ऐसे ही यहाँ पे कॉमा मतलब कॉमा सेपरेटेड करके जैसे हम जेसन फॉर्मेट में डिफाइन करते हैं वैसे ही आप क्या कर लोगे, दूसरा भी मतलब डिफाइन कर सकते हो दूसरे, तो एक ही टाइम पे आपके क्या हो जाएंगे, दो दो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे, मैंने रिकॉर्ड्स को हम ऐसे अपडेट कर सकते हैं। और डिलीट भी है इसमें, तो आप जैसे क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, आपको क्या करना है, डिलीट, डिलीट में भी 1 many ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। अब आपको डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, तो आपको उसके रिगार्डिंग भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई पर्टिकुलर वो पैरामीटर पास करना पड़ेगा जिसके रिगार्डिंग आपने डिलीट करना है। यहाँ पे मैंने आईडी दे दी, 4 दे देती हूँ मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, ये एक्नोलेजमेंट रू एंड डिलीट काउंट 1। अब अगर आप ये देखोगे फाइंड चला के कि आपका डेटा डिलीट हो गया है या नहीं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपकी 4th entry थी वो क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। यहाँ पे मतलब डिलीट में भी, तो अब डिलीट में भी हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक रिमूव होता है, एक डिलीट होता है।
तो रिमूव और डिलीट में क्या फर्क है, या ड्रॉप बोल सकते हैं हम? तो जैसे हमारे मतलब सीक्वल में भी क्या होता है, ट्रंकेट होता है, ड्रॉप होता है, डिलीट होता है, तो यहाँ पे हमारा एक रिमूव और डिलीट मेथड होता है. रिमूव में क्या होता है, रिमूव में आप क्या करोगे, जैसे मतलब ये आपका ये जो आईडी है, ये पर्टिकुलर आईडी मतलब इसी इसी डेटाबेस मतलब इसी डॉक्यूमेंट को एलोकेट रहेगी, बट आपका डेटा डिलीट हो जाएगा. जैसे सीक्वल में क्या होता है कि जब आप लगाते हो तो आपका क्या होता है, स्कीमा एज इट इज रहता है, बट आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं. तो ऐसे ही जब आपको, अगर आपको ये वाली स्पेसिफिक आईडी एज इट इज रखनी है, किसी को किसी तक ये रिमूव ना हो, इसकी आईडी मतलब इसकी वैल्यूज पे नल ना दिखाए कि नल शो हो, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे रिमूव यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें वो क्या करता है, इसका जो ये बोल सकते हैं, इसको जो एलोकेट करी इसने ऑब्जेक्ट आईडी, ये किसी और को असाइन नहीं करेगा, और यहाँ पे सिर्फ ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा. बट अगर आपको पूरा रिकॉर्ड ही डिलीट करना है, कि मतलब ऑब्जेक्ट आईडी ये सब भी डिलीट करना है, तो दैट शुड बी बेटर कि अगर आप लोग क्या करो, डिलीट या ड्रॉप मैकेनिज्म यूज करो, तो वो बेटर होएगा. अब ये तो मतलब नॉर्मल हमारा कि टर्मिनल के बेसिस पे था. और किसी का कुछ कोई क्वेश्चन है? यस हेलो, yes. मैं गौरव बोल ओके रहा हूँ। जैसे यार रिमूव में आप बोल रहे हो, डिलीट में मतलब वो पूरा रो उड़ा देता है, उसका ऑब्जेक्ट यस आईडी भी उड़ा देता है, हाँ और जबकि रिमूव में क्या है, ऑब्जेक्ट आईडी को रखता है, बाकी हाँ सबको उड़ा देता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो मतलब अभी वैसे किसी के माइंड्स में कुछ क्वेश्चन आया है कि यार मतलब हमारे पास जैसे हमारे टेबल्स होती हैं, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल्स हैं, ठीक है? मान लो एक स्टूडेंट का ही अगर मैं करूँ, तो उसके पास मतलब उसका एक खुद का मतलब स्टूडेंट का डेटा है, या फिर उस या कॉलेज का करे तो एक डिपार्टमेंट का डेटा है, एक मैनेजर का डेटा है, तो टू डिफरेंट टेबल्स हैं, उसके बीच में हम उनको जब इंटरलिंक्ड करते हैं तो कैसे करते हैं, प्राइमरी की या फॉरेन की के मैकेनिज्म से, है ना? या फिर अगर हमें मतलब डेटाबेसिस हैं, सॉरी टेबल्स हैं, उनके बीच में हमें एक दो टेबल से कुछ दोनों टेबल से मुझे कुछ कंबाइंड जॉइंट आउटपुट चाहिए, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, जॉइंस यूज करते हैं. तो जॉइंस का रिप्लेसमेंट MongoDB में, ऐसा कुछ किसी के माइंड में क्वेश्चन आया? हाँ तो इसमें, जो हाँ तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें MongoDB में जॉइंस का कोई भी मैकेनिज्म यूज नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो हर एक डॉक्यूमेंट होगा वो क्या होगा, सेल्फ कंप्लीटेड होगा, अपने आप में खुद कंप्लीट होगा. अब जैसे अगर मैं एक सिनेरियो लेके चलती हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं. मैंने क्या करा, एक स्टूडेंट ले लिया मैंने, ठीक है, स्टूडेंट में मैंने क्या करा, उसका मैंने रोल नंबर दे दिया, ठीक है, और उसका क्या दे दिया, नेम दे दिया, और उसकी क्लास दे दी, ठीक. फिर ये मेरी एक टेबल हो गई, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक कलेक्शन हो गया, ठीक है, टेबल लगाओ. अगर हम रिलेशन में जॉइंस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट में एक मेरे पास थ्री ये है मेरे पास एंट्रीज, जिसमें रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, क्लास हो गया. दूसरा मेरे पास हो गया एक टेबल स्कोर नाम से, उस स्कोर में मेरे पास क्या हो गया कि उसका ग्रेड क्या है, ए है, बी है, सी है, ए प्लस मिला है उस बच्चे को ग्रेड, उसके मार्क्स क्या है, ठीक है, और ये डाल सकते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है क्लास में, ठीक. तो मेरे पास ये दो टेबल्स हैं. अब अगर मुझे डेटा चाहिए आउटपुट में, आउटपुट में मुझे डेटा चाहिए कि मुझे रोल नंबर मिले और मुझे क्या मिले, उस स्टूडेंट का ग्रेड मिल जाए, तो मेरे पास हम क्या कर सकते थे, इसमें भी मेरे पास रोल नंबर है, यहाँ पे मैंने रोल नंबर डाल दिया, तो हम लोग क्या करते थे, जॉइंस लगा देते थे कि ठीक है, या कोई कंडीशन लगा देते कि ज्वाइन करे डेटा किसके बेसिस पे, रोल नंबर के बेसिस पे, और मुझे क्या दे दे, रोल नंबर, और उसके कोरस्पॉन्डिंग इस टेबल में से मुझे क्या दे दे, ग्रेड दे दे. तो ये मैकेनिज्म होता था हमारा RDBMS में जॉइंस का. तो बट हमारा अब अगर हम इसकी बात करें MongoDB में, तो आपका जो MongoDB का स्कीमा होगा वो कैसा होगा आपका, कि स्टूडेंट मेरा कलेक्शन होगा,
और इसमें मतलब आपका क्या होता है, जॉइंस आपका ऐसा कोई मतलब लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ेगा. क्यों क्यों नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा एम्बेडेड फॉर्मेट होता है. मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा. रोल नंबर, यहाँ मैंने उसकी वैल्यू डाल दी 1, ठीक है, और यहाँ पे फिर मैंने इसका क्या डाल दिया, मान लो नेम डाल दिया ऐसे ही, ठीक है, और फिर मैंने क्या करा उसकी क्लास डाल दिया, ठीक है, और यहाँ यहीं पे मेरा क्या बनेगा, स्कोर मेरी जो होगी एम्बेडेड में आएगी, ठीक है. तो मेरे पास यहाँ पे मैं उसकी सारी मतलब मुझे अलग से कोई टेबल नहीं क्रिएट करनी, यहीं पे मैं उसका डिफाइन कर दूंगी कि उसका ग्रेड क्या है, ठीक है, और उसके मार्क्स क्या हैं, कि 89% हैं, और या फिर उसके क्या है, उसकी पोजीशन क्या है. तो वो यहाँ पे यहीं पे डिफाइन हो जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है, ये सब क्या है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे मतलब हमारे पास क्या होता है मोंगो डीबी में, इसलिए हमें मतलब कभी जॉइंस वगैरह की टेंशन ही नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जॉइंस से क्या होता है, हमारे जो रिलेशन डेटाबेस में देखें तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमें समझना पड़ता है यार इनर जॉइन क्या होता है, या फिर ये लेफ्ट जॉइन लगेगा, आउटर जॉइन लगेगा, ये मुझे इसमें से ये डेटा चाहिए, इस वाले टेबल्स में से ये वाला डेटा चाहिए, तो मतलब ये सब कैसा होगा. तो थोड़ा जॉइंस की वजह से क्या होता है रिलेशन मतलब कि बहुत मतलब हाँ कि बहुत अच्छा फीचर्स है जॉइंस, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, बट रिप्लेस की इजी है, मतलब बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कंफ्यूजिंग है, बच्चों को मतलब ये हो जाता है कि यार ये लगाना है ये लगाना है, क्या आउटपुट मिलेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है. तो मोंगो डीबी में ऐसा कुछ भी नहीं है, इजीली है, सेल्फ, हर एक डॉक्यूमेंट अपने आप में सेल्फ कंप्लीटेड होता है, कि उसमें अब जैसे यहाँ पे स्कोर में, तो जब आप रोल नंबर 1 के रिगार्डिंग आप ग्रेड सर्च करोगे तो वो ऑलरेडी आपको यहाँ से उठा के दे देगा. तो हर एक डॉक्यूमेंट, ये तो स्टूडेंट रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हो गया, ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर 2 के रिगार्डिंग क्रिएट कर सकते हो ऐसे ही सेम डेटा, तो और मतलब आगे ऐसे क्रिएट कर सकते हो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे बंद करके. तो इसमें मतलब इस तरीके से आपका जो होता है डेटाबेस मतलब चलता है. एक मतलब मैंने थोड़ा सा जैसे कि आप लोगों को ये हो गया यार ये तो सारा कमांड लाइन पे हो गया. अगर हम प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अब मुझे पाइथन का स्क्रिप्ट लिखनी है और मुझे उससे अपना डेटा एक्सेस करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे. तो ये मैंने आपको लिख रखी है कि अब अगर जैसे मेरे पास कोई CSV फाइल है, ठीक है, जिसमें ये रिलेशनल टाइप का डेटा होता है, ठीक है, तो उसको अब मेरे पास डेटा है, अब तो आप लोगों को ये होता है यार मैं अब हर एक मेरे पास डेटा ऑलरेडी है, ठीक है, मान लो मेरे पास 100 रोज हैं उसमें डेटा में, ठीक है टेबल ही, बट अब मुझे हर एक के लिए ऐसे कमांड लाइन पे एंट्री मारनी पड़े, तो फिर ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया यार, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया. इतना टाइम किसके पास है कि वो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पे लिखता रहे, ऐसे तो नहीं होगा. तो आप सिंपल डाल सकते हो कि आप फाइल का पाथ दे सकते हो, ये स्क्रिप्ट मैंने बेसिकली इसलिए लिखी हुई है, करके भी देखा हुआ है. यहाँ आप कलेक्शन का नाम दे सकते हो, अब यहाँ पे मैं अगर मान लो कलेक्शन का नाम दे दूँ 1 2 3 कर देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक ये फंक्शन बनाया हुआ इम्पोर्ट में, जो आपकी फाइल का पाथ उठाएगा और आपकी कलेक्शन उठाएगा, कलेक्शन का नेम जो भी मैंने यहाँ पे पास करा है, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग है कि मोंगो डीबी का जो लोकल होस्ट होता है पोर्ट नंबर है ये वो पास करा हुआ है मैंने यहाँ पे, मैंने डेटाबेस का नेम पास करा हुआ है, और ये मैंने सिर्फ एक रीड राइट मतलब सिर्फ वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा सिंपल टेबल यहाँ से उठा के ऑलरेडी वहाँ पे क्या कर देगा, क्रिएट कर देगा. तो अगर मैं ये स्क्रिप्ट यहाँ पे रन करती हूँ, ठीक है, तो इसने ये आ गया प्रोसेस यहाँ पे. अब मैं यहाँ पे जाके चेक कर लेती हूँ, पहले मुझे क्या करना है, डेमो में जाना है, ठीक है, अब मुझे क्या करना है, शो कलेक्शंस, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ऑलरेडी कलेक्शन 1 2 3 क्या हो गया है, मेरा क्रिएट हो गया. तो अब अगर मुझे इसमें डेटा भी देखना है कि मेरे उस फाइल से मेरा क्या डेटा आया है, तो ऑब्वियसली बात है मैं क्या चलाऊंगी, db. collect123. फाइंड, ठीक है, तो यहाँ से मेरा यही वाला डेटा उठ के आया है, कस्टमर आईडी जिसका नेम, जिसमें आरती, आशुतोष, रजनी, ये सब रिकॉर्ड से कि उनका ज्वाइन डेट क्या था, उनका सिटी क्या था, ये सब ऑलरेडी क्रिएट हो गया. तो आप मतलब ऐसे कोई वरी करने की वो नहीं है कि मतलब यार इतने सारे रोज ऐसे मैनुअली एंट्री करने पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर आपको रीड करना है, रीड की भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको सिर्फ कलेक्शन का नेम और डेटाबेस का नेम देना है, कनेक्शन बनाना है आपको अपने मोंगो डीबी क्लाइंट से, और फिर आपको सिंपल क्या कर देना है,
मतलब स्क्रिप्ट चला देनी है, तो आपको यहाँ पे टर्मिनल पे डेटा मतलब शो हो जाएगा, रीड करके दिखा देगा। ये देखो यहाँ पे इसने रिकॉर्ड्स मेरे शो कर दिए, मैंने उसी कलेक्शन वाले डेटाबेस को रीड करा तो इसने मेरे यहाँ पे सारे रिकॉर्ड शो कर दिए कि मेरे पास ये डेटा है। तो मैंने ये अलग अलग से स्क्रिप्ट्स बना के रखी हुई हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं मतलब मैं शेयर भी कर दूंगी, बट इट वुड बी बेटर कि अगर आप लोग खुद से ट्राई करें तो मतलब सही होगा। मेनली हर एक को मतलब अगर हम बैकएंड की बात करें तो क्रड ऑपरेशंस मेन होते हैं हमारे परफॉर्म करने के, हमें इंसर्ट करना या इंजेस्ट करना आना चाहिए, रीड करना आना चाहिए, डेटा अपडेट करना आना चाहिए। तो बेसिकली कि अब आपको आइडिया लग गया होगा कि MongoDB कैसे वर्क करता है, कैसे क्या होता है। मैम यस, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, हाँ अगर कस्टमर आईडी और कोई डिटेल्स होती कुछ भी होता है तो इसी में ऐड ऑन होता रहेगा। हाँ, इसमें ऐड हो जाएगा। अगर उसके मल्टीपल कोई चीज होती है तो उसके नीचे एरे बनता रहेगा उसका ही। हाँ, उसका एरे बनता रहेगा। अगर आपने इसी के रिगार्डिंग मतलब जैसे यहाँ पे कोई एंट्री डालनी है स्पेसिफिक, जैसे ये 10th है इसी में डालनी है, तो यहाँ पे जब आप अपडेट करोगे तो अगर मान लो उसको ये वाली एंट्री का कुछ मिल गया, ठीक है, तो मान लो कुछ नया रिकॉर्ड नहीं, सपोज करो मैं ना ई कॉमर्स एप्लीकेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ई कॉमर्स में क्या है, इस कस्टमर आईडी ने अराउंड 5 to 6 प्रोडक्ट्स बाय किए हैं, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड्स यहीं पे मेंटेन होंगे या उसकी अलग से डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी हमें? नहीं नहीं, यहीं पे मेंटेन रहेंगे, यहीं पे मेंटेन रहेंगे, यहीं पे मेंटेन रहेंगे। हां यस हेलो निखिल, आप मोंगो स्टार्ट करो ना, उससे पहले एक बार आप जेसन पढ़ लेना, मतलब जो भी आप लोग हो जब भी मोंगो स्टार्ट करो ना उससे पहले आप एक बार जेसन पढ़ लेना कि जेसन में क्या करता है। अभी हमारा तो रिलेशन डेटाबेस होता है, तो उसमें क्या कि हमने क्वेरी लगा दी, डेटा निकाल लिया पूरा, फिर उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करके कोड के थ्रू। लेकिन आप वहां पे ना आप डेटा गेट करते हो वहां पे, ठीक है, राइट। अब यहां पे क्या होता है मोंगो के अंदर, ये जो है ना, ये जो डेटा स्टोर करता है ना वो जेसन फॉर्मेट के अंदर करता है। नहीं नहीं, मैं समझ, मैं बेसिकली ये कह रहा था, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि ई कॉमर्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम क्या करते हैं अपने रिलेशन डेटाबेस में कि उसका सेपरेट टेबल बनाते हैं, उसी टेबल में नहीं डालते है ना, तो उस केस में हमें डॉक्यूमेंट के अंदर बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें जॉइंस लगते नहीं है कुछ भी। हाँ, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करते रहना, हमें इसी एरे बनाते रहना है, मल्टीपल एरे, एक की बनाकर उसका मल्टीपल एरे बनाना, जैसे हम जेसन में पास करते हैं वैसे इसमें करना होगा। टू डायमेंशन एरे यूज करी है कभी आपने? हाँ, उसमें क्या होता है, उसमें हम बेसिकली गेट करते हैं ना उसमें वैल्यू, इसको पार्स करते हैं, इसको यूज करते हैं वैल्यू, उसमें यही करते हैं हम। 2D एरे की बात कर रहे हैं, करते हैं हम 2D एरे यूज किए कभी? ये नॉर्मल 2D एरे ही तो यूज करते हैं, जो नहीं 2D एरे थोड़ा यूज किया नॉर्मली जैसे ऑब्जेक्ट। 2D एरे में क्या होता है, जैसे आपके एक इंडेक्स है पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे आपकी इंडेक्स 1 है तो आप इंडेक्स 1 के अंदर भी एक इंडेक्स डाल सकते हो, तो वैसा ही सीन इसके अंदर है कि जैसे सपोज करो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट है कोई, ओके, राइट। अब सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट बना रखा है, सपोज करो एक लोकेशन के हिसाब से बना रखा है मैंने सिटी वाइज, राइट। तो आप जैसे लिखोगे ना बैक एंड के अंदर, तो आपकी जैसे कोई सिटी है गुड़गांव, तो आप जो भी एंट्री करोगे ना फिर वो गुड़गांव के अंदर ही जाएगी। जैसे मेरा हो गया पूरा ऑल ओवर हरियाणा, हरियाणा में बहुत सारे हैं मेरे पास, जैसे करनाल हो गया, पानीपत हो गया, गुड़गांव हो गया, तो उसके बाद जैसे आपने गुड़गांव का कॉलम सेलेक्ट कर रखा है, तो आप जो पर्टिकुलर एंट्री करोगे ना वो गुड़गांव के अंदर जाएगी। अगर आप गुड़गांव स्पेसिफाई कर रहे हो उधर, तो गुड़गांव के अंदर ही एड ऑन होती रहेगी पूरी, ऐसा सीन है इसमें। और आप लोगों ने MySQL का वर्कबेंच यूज किया है कभी? वर्कबेंच हाँ किया, तो MySQL करते हो यूज, तो कैसे करते हो? किया हुआ है ना। तो वैसे ही भावना आप बताओगे इसके लिए कौन सा मतलब UI यूज करते हैं, मतलब MongoDB के लिए? मैंने से क्योंकि विंडोज का तो मेरा है, तो मैं तो सिंपल कमांड लाइन से यूज कर रहा है, तो अगर आपको आईडिया है तो आप भी सजेस्ट तो बैठ। मैं बता देता हूँ इसके लिए अपन यूज करते हैं, 2-3 होते हैं, जैसे कि अपना एक होता है MongoDB कंपास करके होता है एक, तो एंड एक अपना Robo3T करके होता है, एंड अपना एक Studio3T करके होता है। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टाइम्स के लिए, होगी है तो आप पहले कमांड लाइन पे ट्राई करना, देन
उसके बाद उस पर स्विच करना, क्योंकि सपोज करो आपके पास बहुत सारे कलेक्शन वगैरह हैं, तो आप ऐसे कमांड लाइन में लिखोगे तो मतलब कमांड लाइन में लिखोगे थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, जैसे कि आप जाओगे देखोगे कमांड लाइन में बहुत सारे सपोज करो आपके पास सो है तो आप स्क्रॉल करके देखोगे ऐसे, जबकि रोबो रोबो 3D या आप MongoDB कंपास वगैरह के अंदर देखोगे ना वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर मिलेगा, जैसे अपना MySQL और Workbench में नहीं होता वैसा के वैसा। तो ये जो सॉफ्टवेयर हैं ये आपके विंडोज के लिए भी है Ubuntu के लिए भी है, बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ उस दिन भी बोल रहा था कि आप अगर डेवलपमेंट के लिए यूज कर रहे हो तो अपने सिस्टम को या तो डुअल बूट कर लो, Ubuntu यूज करना है। बट जगदीश उस बात की थी नरेंद्र सर से, वो कह रहे हैं ड्यूल करने से अगर अगर मैं अपने आप से खुद करूंगा ना तो क्रमिसिस विंडो भी क्रैश हो सकती है, तो फिर पर्टिकुलर में जाना पड़ेगा, दिल्ली ऑफिस जाना पड़ेगा तब जाके वो कह रहे हैं हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब वो तो यार अब क्योंकि अगर आप वर्चुअल बॉक्स यूज करोगे ना, हां तो वही वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहा था मैं, बहुत स्लो हो जाएगा यार अगर आपका सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है ना, उसमें स्लो काम करेगा।